भाई और बहनों, खवातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंट्स, शायद कस्टम की एक सुपर ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ तो तहन रजी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेजरली बहुत सारे कामों में बुरी तरह फंसे हुए थे, उसके कोर फैक्टर लेटली जो हीट वेव चल रही थी उसमें हमारी जो वर्क आउटपुट है वो सेवियरली इंपैक्ट हो गया था। जैसे पाइलअप भी हो गया बहुत ज्यादा कामों पे, और ये ह्यूमन लिमिटेशन पे कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल था। समझो मतलब एवरी डे आवर वर्क शिफ्ट इज ऑफ 10 आवर्स, इज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स फ्रॉम 10 to 6, बट स्टाफ आवर इज फ्रॉम 9 to 7। लेकिन 10 आवर में हमारा जो प्लांट आउटपुट आउटपुट एफिशिएंसी होती है वो 8 आवर्स अ डे है कि 8 आवर्स में प्रोडक्टिविटी मिल जाए। लेकिन टेक माय वर्ड, ये जो जस्ट बिफोर बकरीद और बकरीद से आगे तक का जो पूरा टाइम है ना, गर्मी इतनी बुरी हो रही थी कि बेयरली हम 4 से 5 घंटा दिन की एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पा रहे थे। बस तो उसी उसमें कुछ पाइलअप्स भी थे, उसको भी रिजॉल्व करते बीच में। और ऑनेस्टली यार, ये जब व्हेन आई डिडंट डू दिस व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू मेक वीडियोस, मैं सोचता था ये तो आसान काम है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हैट्स ऑफ टू ऑल अदर गाइस जो जो वीडियोस वगैरह अच्छी तरह क्रिएट करते हैं, हमसे बेहतर ही करते हैं, हम तो अभी बहुत बिगिनर्स हैं, बिकॉज दिस इज अ होल जॉब इन इटसेल्फ, ये अपने आप में पूरा पूरा काम है अलग। एनीवे वापस आ गए हमारे प्रोजेक्ट की दुनिया में। Stay tuned, keep watching Pad Customs. For those who still haven't subscribed to our channel, please go ahead click on the subscribe button and press the bell icon. Select all videos so you're notified of all our videos instantly. Episode there, देखते रहो अभी आगे। Stay tuned. मेरे पीछे हमारा roll over accident जो था Toyota Repo. That's reaching out its ground preparation stages paint के लिए, primer हो गया इसको, ये शकील भी अपना master है, शकील ने इसको पूरी तरह यही verify किया है कि कोई भी pin hole, कोई hairline, कोई भी ऐसी effective ऐसी बात जो के damage कर सकती हो final finish को, उसको assess करके अभी अगर देखोगे बजबजा हो गया। अल्लाह के वास्ते आगे पीछे देख के चलना, वीडियो के चक्कर में काम ही ना लग जाए, क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल अभी रेडी है, कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फाइनल पेंट है। क्योंकि अभी इस गाड़ी के ऊपर अगर जरा बराबर भी ग्राइम आ गई या अगर कोई ऑयल स्पॉट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये सारी मेहनत फारिग हो जाएगी। ये है, और अभी भी अगर अधीर बेटा थोड़ी सी जगह दे, अभी भी अगर आप इस पोजीशन पे आपको इस गाड़ी के सारे कैरेक्टर लाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर सब कुछ माशाल्लाह आपको विजिबली नजर आ रहा होगा। एंड टेक माय वर्ड ऑन दिस कि ये इंशाल्लाह ताला जितने भी किस्म के, बल्कि वी विल डू दिस, जितने भी किस्म के पेंट थिकनेस टेस्टर्स होते हैं उसमें से एक जो बड़ा कॉमन होता है मैकेनिकल, हम वो भी आपको फाइनल उस पर डर के दिखाएंगे, तो यू सी इफ दे अप्रूव ऑफ दिस पेंट और नॉट, वो भी आपको जरूर करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड फॉर द फाइनल एपिसोड ऑन दिस। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख सके, मिस कर गए आप, उन वीडियोस को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आइडिया हो। दिस वॉज अ कम्प्लीट 360 रोल ओवर, जिसमें हमारा मेजर जो मेजर एरिया था
और द फ्रंट लेफ्ट साइड जिसको पैसेंजर साइड भी कहते हैं, लकीली देयर वाज नो फ्रेम डैमेज अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ये इज द नहीं नॉट एज येट बट सून यू सी द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी हमारे पास फ्रंट एंड हमने मेजरली कोशिश करके इसका पेंट बचाया है, बट वी हैव टू यू नो स्प्रे दिस कॉर्नर्स अ लिटिल थोड़ा बहुत, और ये वाला भी कोना हमें स्प्रे करना पड़ेगा, बट स्टिल विल सेव ऑल ओरिजिनल पेंट अदरवाइज एवरीवेयर एल्स। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पैट कस्टम के प्रीवियस एपिसोड देखें, एक से दो एपिसोड पीछे जाएं, यू विल गेट मोर डिटेल्स ऑन द स्पीकर। चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ, अगली बारी है उस प्रोजेक्ट की जो खून के आंसू रुला रहे हैं। उस्ताद अलीम उस्ताद मुझसे बात करना बंद हो गए, वो कामरान उस्ताद है ही नहीं पिक्चर में दिहाड़ी के साथ, ये नाराज होना शुरू हो गए लोग, ये इतनी गली भी निकली अंदर से। हम जिस पॉइंट के ऊपर समझते कि ये इतनी रस्टेड है, दिस व्हीकल वॉज far ahead of our expectation, it still is, although it's completely dismantled, but abhi bhi jab bhi iske kisi bhi panel ko kaam karne lago, jaise abhi sirf iske inner fender ke upar baat kare to ye iska chassis piece, ye iska pura inner fender, ye iska lower chassis piece, ye sab hand fabrication karni padi hai, coming in ye jo hamara wiper drain channel hai uske andar wale pieces, but dekho quality loose kahin nahi hoti, अगर अंदर नजर आ सके, दिस ऑल एंटी रस्टेड क्वालिटी ख्वारी है और नुकसान में भी चली जाती है बात। अब इस गाड़ी के ऊपर हमने प्रोजेक्ट चार्जेस 300,000 चार्ज किए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300,000 फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, बट ये मेरी बात लिख लो, दिस विल नॉट गिव अस एनी सेविंग। प्रोजेक्ट्स आर ग्रेट for brand creation, they're of no use commercially. Commercially, मैं बहुत खुश हूँ अगर मैं किसी गाड़ी के दो पैनल टचअप करके उसको रवाना हो रहे हूँ, so that'll give me a lot a very nice saving rather than this project. But passion drive का जो criteria है वो इधर करवाता है। अब अभी अगर इधर से आओ तो ये driver side वाला भी पूरा floor panel पीछे तक replace हुआ है। Again, these have been primer, these have been coated by primer, and bottom end jo hai iske anti rust hue mein, floor sides jisko locally garter bhi kaha jata hai, wo bhi pure change hue hain. Agar wo dekho floor guard aur quality compromise kahin nahi, floor garters pe bhi piche jo bahar se running boards lage hain, footboard jisko kehte hain, wo bhi anti rust coat hua hai, और जो फ्लोर गार्डर्स लगे हैं ये भी अंदर से एंटी रस्ट कोट हुए हैं। सिमिलरली अगर इस पॉकेट के अंदर से आके दिखाओ, इस पॉकेट के अंदर तो ये भी सारा अकॉर्डिंगली एंटी रस्ट, बाहर से ये रनिंग बोर्ड पैनल भी अंदर से एंटी रस्ट हुआ हुआ है, इसी तरह अंदर फ्लोर गार्डर भी अंदर से एंटी रस्ट हुआ हुआ है। ये वो लेवल ऑफ फिनिश है जो कि वेरी सेफ से अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री स्टैंडर्ड की होती है। ये खुशबू पाउडर बहुत सारे लोग कर सकते हैं, गेटिंग डाउन इनटू डेप्थ्स जो क्लाइंट कहीं भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ उसकी उस काम की क्वालिटी की जो एज होगी उससे उसको डिफरेंस पता चलेगा। दैट्स द डिटेल दैट वी वर्क ऑन, क्योंकि ये वो चीजें हैं, हम इसके ऊपर ना लगाए एंटायर रस्ट कवर कर दें, क्लाइंट कैन सी इट, ही वोंट एवर बी एबल टू सी इट, क्योंकि अनलेस इवन जब ये रस्ट आउट भी करेगा तब भी उसको ये नहीं पता चलेगा कि अंदर है क्या, कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन हुई थी कि नहीं, क्योंकि ये सब सील्ड पैनल्स होते हैं, ये सब बंद हो जाएगा, उधर पीछे से भी बंद हो जाएगा, तो अंदर तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। बट दैट्स एट हार्ट वेयर इट मींस कि इट शुड बी क्लीन फ्रॉम द हार्ट, नो। अच्छा, जो दुख वाला देखो अभी बताता हूँ कि हम हर बार समझते हैं कि यार दिस व्हीकल हैज गिवन अस अ वेरी टफ टाइम, अब हम इसको समझ गए, सब इसका सामान ना ऑर्डर हो गया, सब हो गया, अब हम जैसे ही इसका सस्पेंशन के लिए हम बैठे और इसका क्रॉस मेंबर हमने वॉश किया, चेक करो यार, पहले ही इसके ऊपर कितनी पीसिंग हुई हुई है, और ये क्रॉस मेंबर के ऊपर पीसिंग
ये होने के बाद कोई किसी का बाप उसको गाड़ी सीधी नहीं नहीं चलने दे सकता। अच्छा मैंने तो वॉश करवाया था कि इसको ताकि हम टीम चेंज कर लें, बट ये चेक करो पता नहीं क्यों सुराख किए हैं किसी जाहिल ने, वो देखो एंड के ऊपर, ये तो आखिर में पर मैंने वॉशिंग स्टॉप करवाई इसकी, वो देखो कितनी पटियां पटियां लगी हुई हैं, लाइक इट्स अ ब्लडी फकिंग काइट। पता नहीं कौन सा मगज है क्या दिमाग है। तो जो सस्पेंशन माउंट करने का इरादा था वो पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि अभी हमें फ्रॉम द टॉप पहले क्लाइंट से हमें क्रॉस मेंबर की कोड शेयर करनी है, क्लाइंट ऑथराइज करेगा, क्रॉस मेंबर प्रोक्योर होगा, फिर सस्पेंशन फिट होना शुरू हो सकता है। अच्छा अभी हमें सस्पेंशन माउंट करना है वो सिर्फ ये असर्टन करने के लिए, ये जो हमने चेसिस के पीसेस इसके रिप्लेस करे हैं ये वाले, ये स्पॉट से खोल के स्पॉट के ऊपर बिठाए दोबारा, सब ये असर्टन करने को कि आया इसके अंदर कोई फर्क तो नहीं है, कोई रीअलाइनमेंट की जरूरत तो नहीं है, व्हील्स की अलाइनमेंट, टोज, कास्टर, कैम्बर सारा कुछ सही आ रहा है, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। बट इसी पॉइंट के ऊपर हम फंस गए। अब ये यू नो दिस इज द कॉज ऑफ डिले। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एन एसेंस, देखो हमारे पास कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, यू हैव टू बी एज क्विक एज पॉसिबल, कि अगर कोई भी एक मास्टर या जूनियर टेक भी अगर इफ हिज वर्क और स्पेसिफिक व्हीकल्स बीइंग स्टॉप्ड, सो वी हैव टू यूटिलाइज देम एल्सवेयर ऑन अनदर प्रोजेक्ट। तो अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हो गया तो फिर अब वो जो एरिया वर्क उसने स्टार्ट उसके ऊपर स्टार्ट किया है कंप्लीट दैट, या अगर कोई उसके ऊपर भी अनफॉर्चुनेट स्टॉप आता है तब तक हम उसको उससे छुड़वा के वापस उस गाड़ी पे नहीं ला सकते। और ऐसा भी नहीं मुमकिन कि हम किसी और को दे दें, क्योंकि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी एक मेंटल थॉट है, एक मेंटल सेट है जिसके साथ वो लेके चल रहा है, हम एज एडमिन भी उसी के साथ कनेक्टेड हैं, हम उसी से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम क्यूसी भी उसी के साथ कर सकते हैं। तो अब ये गाड़ी उसके लिए रुकी, इंशाल्लाह ताला वंस वी रिज्यूम आफ्टर 10 मुहर्रम क्रॉस मेंबर के उसका कोड लेके क्लाइंट से शेयर करवा के, तो क्रॉस मेंबर आएगा फिर उसके बाद सस्पेंशन माउंट करवा के इसको आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन कसम से मतलब इफ यू हर्ड द सेइंग ऑफ अ रस्ट बकेट, दिस इज अ ब्लडी ओशन मैन, दिस इज अ ओशन ऑफ रस्ट, इट्स नॉट अ बकेट। या वो कहते हैं एक जब फ्लाइट क्रैश होता है MH370 का, तो उधर कोई कह रहा था कि इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। तो एक बड़ा विजनरी कैप्टन था उसने बोला बट डू यू नो वेयर द फक इज द हेयरस्टैक, वही वाली कहानी है, हेयरस्टैक का नहीं पता भी है कौन सा वाला जिसमें नीडल ढूंढनी है, इतना रस्ट है।